छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से ईडी पर तंज कसा है। सीएम बघेल ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी के नियमों में जब से संशोधन हुआ है तब से उन्हें असीमित अधिकार मिले हैं और वो किसी को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। हमने महादेव ऐप पर कार्रवाई की है लेकिन केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की। आज जो कार्रवाई हो रही है केवल इसलिए इसे कोयला का दाम दे नहीं पाए। तो एक राजस्थान का चल रहा है वही चल रहा है। बचत जितने कोयला का दाम रमन सिंह ने अलाट किया था वो एक भी नहीं चल पा रहा, शुरू नहीं हुआ। उसी प्रकार से आयरन ओर हम नहीं चले दे रहे। अब नगरनार अभी शुरू नहीं हुआ है उसे भी ये लोग बेचने के बजट में शामिल कर लिया इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ दिन बाद उसका लोकार्पण होगा और ये वो सब घूम फिर के वहीं जाना है। ये स्थिति बनी है। लेकिन मैं ईडी के अधिकारियों को अनेक बार मैंने पत्र लिखा, न केवल ईडी को बल्कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि चिट फंड घोटाला हुआ,